हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था। दिवाली वेकेशन चल रही थी तो थोड़ा हमारा काम भी स्लो चल रहा था, थोड़े वीडियोस भी मैंने कम अपलोड किए हैं इस मंथ में, लेकिन अब हम कॉन्स्टेंटली इसे कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपना पोर्शन कम्प्लीट होना चाहिए। ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आपका जो पोर्शन है प्रॉपरली कम्प्लीट होना चाहिए बिफोर एग्जाम, और मैं भी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूँगी। तो इसीलिए मेरे वीडियोस को आप ज़रूर देखते रहो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अभी टिल जनवरी 15 तक तो हमें पूरा 8 स्टैंडर्ड का पोर्शन, जितने भी लेसन्स है मैथमेटिक्स के और अदर सब्जेक्ट्स के, सारे हमें पोर्शन कम्प्लीट करने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है आज से ही, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने वीडियोस में अपलोड कर सकती हूँ आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर यू। प्रैक्टिस सेट 7.2 तक मैंने फिर भी कंप्लीट किया था, जब भी मुझे टाइम मिल रहा था मैंने थोड़े थोड़े वीडियोस अपलोड कर दिए थे, लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट 7.3, ठीक है। तो आप लोगों की दिवाली वेकेशन अब खत्म हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं ना सबके, तो इसीलिए स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, करना ही पड़ता है। ओके, तो कैसी हुई दिवाली आप लोगों की मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, किस तरह से आप लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि इस साल की दिवाली सबसे हटकर थी, क्योंकि लॉकडाउन वाली दिवाली है तो जैसे फटाके वगैरह सब फोड़ने के लिए भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे ना बच्चों को, तो इसीलिए फटाकों का आवाज़ भी बहुत कम था ये साल। तो आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट की है दिवाली मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आई विल रियली एंजॉय रीडिंग योर कमेंट्स। तो अभी फर्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अभी इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन, ये दो टाइप के हमने वेरिएशन देखे हैं, जिसमें दोनों जब साइड्स इंक्रीज होते हैं तो हमने क्या देखा था, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट वेरिएशन, और जब एक इंक्रीज होता है और दूसरा साइड डिक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स वेरिएशन। तो हमने जो प्रैक्टिस सेट 7.2 किया था और बिफोर दैट 7.1 किया है, तो उसमें अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो, तो उसमें ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो नाउ फर्स्ट वी विल कंटिन्यू, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। तो अगर सपोज नंबर ऑफ वर्कर है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल किया था यहाँ पर, इसमें एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने देखा था नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में दिया था। आई शो यू दैट एग्जाम्पल। ओके, ये देखो एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया हुआ है, 15 वुमेन्स फिनिश्ड वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग अ ग्राउंड नट क्रॉप्स इन 8 डेज एंड फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन्स इन द सेम जॉब, सेम काम करना है कम्प्लीट इन 6 डेज। मतलब जब 15 वर्कर्स है तो क्या हो जाएगा, 8 डेज में वो काम कम्प्लीट कर सकते हैं, लेकिन कितने वर्कर्स होंगे तो उन्हें 6 डेज लगेगा, मतलब कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर वर्कर बढ़ जाएंगे ना तब कम टाइम लगेगा, मतलब ये क्या हो गया, एक कम हो जाएगा एक बढ़ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स वेरिएशन। तो ये सिमिलर एग्जाम है, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड वी हैव द नंबर ऑफ, तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखिये यहाँ पर मैं दिखाती हूँ किस तरह से आंसर लिखना है। यस, इट इज एन इनवर्स वेरिएशन। सेकेंड दिया है नंबर ऑफ पाइप ऑफ सेम साइज टू फिल द टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। तो अभी क्या दिया है यहाँ पर, नंबर ऑफ पाइप ऑफ सेम साइज के पाइप्स है, एक टैंक फिल करना है एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनवर्स वेरिएशन। देन सेकेंड थर्ड देखो, पेट्रोल फील्ड इन टैंक ऑफ व्हीकल्स एंड इट कॉस्ट। अभी जब पेट्रोल हम भरते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने भर दिया है, सपोज 100 रुपीज है उसका, 2 लीटर का कितना होगा, 200 होगा, 3 लीटर का 300, मतलब यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ लीटर और कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। दिस मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना है यस। थर्ड वन, यस सॉरी नो, इट इज एन डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया है क्वेश्चन में आर ऑफ स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन, तो ये इनवर्स नहीं है ना, इसीलिए आपको लिखना है नो,
No, it is an direct variation. Then we have next fourth question, that is area of circle and its radius. तो अगर कोई circle है, ठीक है, तो अगर कोई हम circle निकालते हैं तो circle का जो area है वो क्या होगा? अगर radius 3 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया हम उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारा पाई आर स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे आंसर। तो 3 का जितना आएगा, 4 अगर सेंटीमीटर लेते हैं तो उससे वो बड़ा आएगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस लो तो और बड़ा आएगा। मतलब अगर रेडियस इंक्रीज होता है तो क्या हो रहा है, एरिया भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों इंक्रीज हो गए, देयरफॉर ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल है, इसीलिए लिखेंगे नो इट इज एन डायरेक्ट वेरिएशन। या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, नो इट इज नॉट इनवर्स वेरिएशन, इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसे दो सेंटेंसेस में आप लोग पूरा क्लियर अपडेट वहां पर दे सकते हो, उसका स्टेटमेंट को आप वहां पर बता के पूरा क्लियरली लिख सकते हो। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, आई होप समझ में आ रहा है इनवर्स और डायरेक्ट में क्या डिफरेंसेस होता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द मेन सेकंड क्वेश्चन। इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, 15 वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो एक वॉल बनाने के लिए, एक दीवार बनाने के लिए, दीवार को मराठी में बोलते भिंत बनाने के लिए 48 आवर्स लगता है। और हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क, वैसा ही सेम वॉल बनाना है तो उनको 30 आवर्स में वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो अभी 15 अगर लोग हैं तो 48 आवर्स लग रहे हैं, तो उससे कम टाइम लग रहा है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यस वर्कर तो ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ जाएंगे, मतलब एक इंक्रीज होगा, ये देखो एक डिक्रीज हो गया है इससे तो दूसरा इंक्रीज होगा। इसीलिए ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ लिखना नहीं है, ये लिखने के लिए जो 4 स्टेटमेंट थे वो हमने कर दिए है, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेन मेन जो पॉइंट्स होते हैं मैं उन्हें अंडरलाइन करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे हाईलाइट करोगे ना आप तो इजिली, जब क्वेश्चन बार बार रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, पेपर कंप्लीट करना है, टाइम हमारा मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो बहुत सी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाते और सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो आपको फटाफट क्या करना है, 15 वर्कर्स 48 आवर्स तो ऐसे अंडरलाइन करके रखना है पेंसिल से, एंड इमीडिएटली यू कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द सम्स। तो ये देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, ये आप लोगों को एक बार समझ में आ गया तो इजिली यू कैन सॉल्व दिस सम। तो अभी हम वो सम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी W एंड रिक्वायर्ड हॉर्स बी H। तो हमने उसको यहाँ पे उसका एक छोटा वर्ड डिनोट करके ले लिया है, W इनवर्सली वेरीज टू H। तो W H के साथ में क्या हो रहा है, वेरीज हो रहा है, मतलब वो उसके साथ में, हम जैसे अल्फा में लिखते हैं वेरीज अल्फा, ठीक है। सो W, तो अब जब इनवर्स होता है तो इनवर्स का हमारे ये फॉर्मूला है जो हमने 2.7.2 के एग्जांपल्स किए थे तभी भी देखा हुआ है, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है पूरा 7.2 का, प्रैक्टिस सेट 7.2 का पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन जो दिया है, सारे एग्जांपल तो सॉल्व किए हैं प्लस एक्सप्लेनेशन दिया है, वो वीडियो में आप देखोगे तो पूरा ये मैंने किस क्यों लिखना है दिया हुआ है, आप देख लो। नाउ डब्ल्यू मतलब वर्कर इज इक्वल टू के, के क्या है, कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/H, H मीन्स हॉर्स। सो के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब जो वॉल है वो तो सेम रहेगी ना, वो बदलने वाला नहीं है। सो व्हेन W इज इक्वल टू 15 एंड H इज इक्वल टू 48, दिस इज गिवन टू अस। सो W, देखो W के प्लेस के ऊपर लिख दिया 15, के हमें फाइंड करना है, 1/H है तो 1/48, बिकॉज द वैल्यू ऑफ H इज 48। नाउ व्हाट विल डू, के यहीं पर रहेगा, तो आगे का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है
मैं करके दिखा देती हूँ यहाँ पर आप लोगों को। 15 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 1/48। ठीक है, ये आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, दिस के विल रिमेन हियर। ओके, और हम लिखेंगे यहाँ पे जी, देखो इज इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड में है, के को वहीं पर रख दो और इसे हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो ये डिवीजन में दिया है तो इसीलिए यहाँ पर आने के बाद ये हो गया, ऊपर गया। और ये वन नीचे है वो लो, अगर नहीं लो नीचे का वन, क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे ऑलवेज वन इमेजिनरी रहता है, इसीलिए वो लिखो या ना लिखो चलेगा। सो नाउ 15 मल्टीप्लाइड बाय 48 है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 48 स्मॉलर बिगर नंबर है और 15 स्मॉलर है, तो उसे हम नीचे लिखते हैं। तो ऐसे लिखने से क्या होता है, थोड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। 5 या 15 भी आप करोगे फिर भी चलेगा। तो 5 40, 5 4 20, 24, 0 ऐड कर दो, 1 8 8, 1 4 4, 4 + 8 इज 12, 1 कैरी, 4 5 6 and 1 7, तो आंसर क्या है, 720। तो 720 हमें ये मिल गया है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो अभी हम क्या करेंगे, जब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एक बार मिल गया है तो हम सेम इक्वेशन को फॉलो करके जो के मिला था उसे फिल करेंगे। अभी हमें क्या फाइंड करना होगा, देखो हमें यहाँ पर दिया है हॉर्स दिया है, मतलब एच इज गिवन, एच दिया है, डब्ल्यू वी हैव टू फाइंड। इसीलिए अब हम जब फिल करेंगे आंसर्स तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू K इज इक्वल टू है यहाँ पर इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 1/H। सो W इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाइड बाय 1/H। सो ये यहीं पर रह गया, जैसे हमने अभी सॉल्व किया है सम, इसमें यहीं पर रह गया है देखो K, तो K का वैल्यू दिया है 720 और H का वैल्यू, ये अगर आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व। So when H is equal to 30, so W will be what? तो ये हमें फाइंड करना है। So ये भी मैं आप लोगों को यहाँ करके दिखा देती हूँ। So W is equal to K multiplied by 1/H, ये हमारा फॉर्मूला है। So W हमें फाइंड करना है, is equal to K का कॉन्स्टेंट कितना है 720 multiplied by 1/30, क्योंकि H का वैल्यू दिया है 30। So अभी 0 0 कट कर दो, 3 1 3, 3 2 6, 1 लेफ्ट एंड 3 4 12। सो W इज इक्वल टू 24। अगर आप लोगों को ऐसे डिवीजन में कोई भी डिफिकल्टी है सो विदाउट थिंकिंग आप लोग इस तरह से कर दो, 0 0 को कट कर दो बिकॉज दोनों में 0 है। सो 3 2 6, 7 - 6 इज 1, 2 आ गया नीचे, 3 4 12, ठीक है आ गया 24। तो स्टॉक होके नहीं बैठना है कि आगे क्या करें, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो किसी भी एक सॉल्यूशन को आप लो और फटाफट आपका सम कंप्लीट करो। एक सम करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर द टाइम, आप लोगों को टाइम प्रिपरेशन रखना है कि मुझे एक सम 5 मिनट्स में 4 मिनट्स में ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, इतना आप लोगों का अच्छा प्रैक्टिस रहना चाहिए। ओके, सो दिस वे वी हैव गॉट द आंसर, W इज इक्वल टू 24। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इफ द वॉल इज टू बी बिल्ड इन 30 hours, सो 24 वर्कर्स विल बी नीडेड। सो हाउ मेनी वर्कर्स नीडेड, 24। पहले कितने वर्कर्स थे, 15 वर्कर्स थे, अभी कितने वर्कर्स आ गए हैं, 24, मतलब वर्कर्स बढ़ गए हैं तो हॉर्स कम हो गए। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ऐसे भी आप स्टार्ट करके लिख दो और फिर उसको स्टार्ट करोगे सॉल्व करने के लिए फिर भी चलेगा। ओके, नाउ सेकंड सम, फोर्थ थर्ड सम देखो, इन थर्ड सम वी हैव 120 बैग्स ऑफ 1/2 लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट, 3 मिनट में भर के हो जाता है। फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स, तो पहले कितने बैग्स थे, 120 बैग्स, 3 मिनट में हो गए, लेकिन अभी तो नंबर ऑफ बैग्स कितना इंक्रीज हो गया है, 1800।
तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम भी बढ़ेगा। हाँ, तो इसीलिए हम अभी से स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ है, ये हुआ है डायरेक्ट वेरिएशन। इट इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसे आप लिख दो ऊपर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बैंक्स बी बी एंड टाइम टेकन टू बी टी। तो टाइम के लिए टी और बैंक्स के लिए बी ले लिया है, तो बी डायरेक्टली वेरिएस, क्योंकि ये अभी डायरेक्ट वेरिएशन है ना, तो बी इनवर्सली नहीं लिखना है। जब इनवर्स वेरिएशन होता है तो हम इनवर्सली लिखते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों को ये बातें समझनी है। तो बी डायरेक्टली वेरिएस टू टी, सो बी अल्फा टी मतलब बी वेरिएस टू टी। सो बी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय टी। सो के यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो वेन बी इज इक्वल टू 120, टी इज इक्वल टू 3। This is what given. So 120 is equal to k multiplied by 3. तो इसे कैसे सॉल्व किया है, 120 is equal to k multiplied by 3. ठीक है, तो अभी क्या करना है, k यहीं पर रहेगा, is equal to के opposite side, और हम 120 ये multiplication है ना, तो इसको लेते हैं division में। तो 3 1 3, 3 4 12, 3 0 0। तो आंसर क्या आया, 40 इज इक्वल टू के। के क्या हो गया है, 40। सो 40 इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, बी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय टी, जो हमने स्टार्टिंग में भी लिखा था, तभी हमें 40 मिला ना। तो व्हेन बी इज इक्वल टू 1800, सो टी इज इक्वल टू व्हाट, सो B इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय T। तो B का वैल्यू कितना दिया है, 1800 इज इक्वल टू, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 1000 सी B इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय T। सो B इज इक्वल टू 1800 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय T। सो 1800 डिवाइडेड बाय 40, 40 ये हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, तो इसे शिफ्ट करके डिविजन में ले लिया है। अभी क्या करना है, 0 0 कट कर दिए, फिर उसके बाद आप लोग इस ऐसे भी लिख कर ले सकते हो, 4 1 4, 4 4 16, 8 6 2, 1 1 0, नीचे ये 0 आ गया है, तो 4 5 20। तो आंसर क्या है, 45। सो वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, 45। तो हम आंसर कैसा लिखेंगे, टू फिल 1800 बैंक्स 45 मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में इसे समझ आते हैं, तो ये जो आंसर है, फाइनल आंसर आप लिखोगे, तो इसे क्या करना है, आप लोगों को पेंसिल से इसे पूरा बॉक्स बनाना है, लाइक फ्रेम के जैसे। ठीक है, इसका बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, बिकॉज जब हम लोग भी पेपर चेक करते हैं, तो अगर आंसर प्रॉपरली नीचे अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो उसका एक अच्छा इम्प्रेशन आ जाता है टीचर्स के ऊपर। और वो अगर पूरा सम राइट है, फिर भी थोड़ा सा अनटाइडी दिख रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, हाफ मार्क कट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा भी एक पॉइंट भी मार्क्स का कम नहीं होगा, यू विल गेट द टोटल मार्क्स, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोग अभी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखो। अभी फोर्थ सम है, प्रैक्टिस सेट 7.3 का लास्ट सम है ये, और आप लोगों को बताओ कि ये लेसन का जो टॉपिक है वो भी पूरा खत्म हो रहा है, तो ये लास्ट सम है, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो लास्ट सम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सम जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो अलास एक बार पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो तो हम लास्ट सम देखते हैं। अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर, ये क्या है, पर आवर, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, टेक्स 8 आवर्स। तो एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो अभी कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, 8 आवर्स तक, टू ट्रैवल सम डिस्टेंस, ओके सॉरी सम डिस्टेंस, तो कुछ डिस्टेंस है, तो जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है, और स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर।
What should be the increase in speed if the same distance is to be covered in 7 and half hour? Yes, क्या दिया है? 7 and half है. 1/2 मतलब क्या होता है? 7 and half. Okay, तो अभी ये कौन सा हो जाएगा वेरिएशन? तो ये होता है इनवर्स वेरिएशन. क्यों? बिकॉज देखो, अभी जब 60 किलोमीटर से गाड़ी गई है तो 8 घंटा लगी है ना, 8 hours लगा है. तो अभी यहाँ पर 7.5 मतलब 7.5 hours लगे, 7.5 घंटे लगे है. मतलब टाइम तो कम लगा ना, तो स्पीड तो क्या हुई होगी? इंक्रीज हुई होगी. स्पीड बढ़ाई है तभी तो जल्दी जाके पहुंच गए. अगर आप सोचोगे स्कूल जाना है तो अगर आप चलकर जाओगे, समझ 15 मिनट लग रहा है चलने में, आप वही क्या करोगे, साइकिल लेकर जाओगे तो आप पहुंच जाओगे वहां पर 8-9 मिनट में, ठीक है. लेकिन अगर आप गाड़ी से जाओगे, मतलब फोर व्हीलर में बैठकर या बाइक से जाओगे, तो स्पीड तो बढ़ जाएगी. तो वही स्कूल का 15 मिनट का जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट में कवर हो जाएगा ना. मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है और टाइम कम लग रहा है. मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? यस, इनवर्स वेरिएशन. तो चलो अभी इसे कैसे सॉल्व करना है फटाफट देख लेते हैं. सो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी एस एंड टाइम टेकन बी टी. एस इनवर्सली वेरीज टू टी. क्यू इनवर्सली लिखा? बिकॉज इनवर्स वेरिएशन है. यस, वेरी गुड. नाउ सी, एस वेरीज टू 1/T, मतलब अल्फा लिखना है. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, अल्फा ऐसे नहीं लिखना है, ये बच्चे इतने आलसी होते हैं ना, साइन को पूरा चेंज कर देते हैं. तो देखो यहाँ पर इस तरह से अल्फा आप लोगों को लिखना है, उससे नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे. सो एस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 1/T. K is constant of variation. When S is equal to 60 and T is equal to 8 is given. पहले भी given लिख सकते हैं, यहाँ पे given लिखकर colon बनाओ और फिर नीचे लिखो, फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So 60 is equal to K multiplied by 1/8. तो यहाँ पर क्या करना होगा? इज इक्वल टू के, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 1/8 है ना, तो के रिमेन ऑन द सेम प्लेस. अभी 8 को क्या करना है, यहाँ पे ये डिवीजन में दिया है, मल्टीप्लीकेशन है लेकिन ये डिवीजन में है ना, इसलिए यहाँ पे इसे मल्टीप्लीकेशन में लेना है 1 मल्टीप्लाइड बाय. तो 6 8 48, 0 आ गया नीचे के. तो क्या आंसर आया है? 480 कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन. उसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे. व्हेन टी इज इक्वल टू, टाइम कितना दिया है? 7.5 hours. एंड स्पीड हमें क्या करना है? स्पीड वी हैव टू फाइंड. सो व्हेन एस मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू 480. तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है. तो हम इसे लिखेंगे कैसे, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. S इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 1/S, और क्या लिया है हमने? T लिया है ना टाइम के लिए, तो ऐसे लिखेंगे. तो S कितना है? दैट इज वी हैव टू फाइंड. और T कितना दिया है? 7.5, ठीक है. तो इसे हम ऐसे ही 7.5 भी लिख सकते हैं. तो चलो हम लिखते हैं इसे. तो 7.5 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 1/T. तो अभी इसका वैल्यू क्या है वो भी लिखेंगे. इसी स्टेप में भी हम लिख देते हैं ना, फिर भी चलेगा. स्टेप बढ़ाते मत बैठो, बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो. ये 7.5 का ये जो वैल्यू है, इसे ऐसे रखने के बदले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे जैसे मिक्स फ्रैक्शन में हमने सीखा हुआ है. 7.5 मतलब क्या होता है? 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1/2. 7 × 2 = 14. 14 + 1 = 15. 15/2 ऐसे लिया. तो हमें अभी यही लेना है. तो हम लिखेंगे ऐसे, 15/2 इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाइड बाय 1/T, ठीक है. तो ये जो है इतना, इसे हमें नहीं करना है. तो ये डायरेक्ट हमने ले लिया ऐसे. सो नाउ आफ्टर दैट ये आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा. सो 15, इसके नीचे इमेजिनरी 1 है तो इसीलिए 1 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है. तो ये 1 ऊपर गया
और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 80। इस तरह से पहले आप लोगों ने पूरा अरेंज कर दिया है, अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, 2 वन जा 2, 2 उसके बदले हम डायरेक्ट देखो 15 के टेबल से हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे करेंगे। थोड़ा सा सिंपल वर्क अगर होता है ना तो सिंपल वर्क को ही देखना है। 15 3 जा 45, 3 0, अभी ये 0 है इसे नीचे ले लो, 15 2 जा 30 आ गया, 0 0 मतलब 32 आंसर आ गया है। सो यहाँ पर ये गया 1 जा और ये हुआ 32, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 करेंगे। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय, पीछे ले लेती हूँ बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा, ओके सो हियर वी विल कंटिन्यू, 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल टू व्हाट, टी। सो 32, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 इज इक्वल टू टी। सो व्हाट इज दिस, स्पीड। सो इंक्रीज इन द स्पीड 64 माइनस 60। अभी क्या पूछा था यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन फिर से एक बार मैं दिखा दी, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, मतलब स्पीड में कितना हम इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे तब हम 7.5 आवर्स में डिस्टेंस सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो कितना हॉर्स हमने बढ़ाया है, कितना किलोमीटर के हिसाब से हॉर्स स्पीड बढ़ाई है वो लिखेंगे। सो इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू, ये 64 आया है अभी, तो 64 में से पहले कितना डिग्री हमें, सॉरी डिग्री बोल रही हूँ, किलोमीटर दिया था डिस्टेंस, सो दैट वॉज 60 दिया था, तो उसे माइनस कर दो, तो 4 किलोमीटर पर हॉर। सो 4 किलोमीटर पर हॉर शुड बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7.5 हॉर्स, ठीक है। ऐसे ये कंप्लीट पूरा लिखना है, समझ में आ गया है। कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगी, मतलब मैं क्या करती हूँ, सपोज कुछ प्रॉब्लम होगा, सिली मिस्टेक हो जाते हैं कभी कभी, तो वो सेम क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करती हूँ वो वीडियो में मैं स्टार्टिंग में वो सोल्यूशन करके दिखाती हूँ। तो आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करूंगी उसमें पहले मैं ये सम्स को फिर से रिसॉल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप दैट। और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताओ। चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करो, ठीक है। थैंक यू।